क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। एक टीचर है, उसने 5 पेंसिल हर स्टूडेंट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। द वेरिएबल एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर अब हमारे पास कह रहा है कि अगर एस स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट को हमने 5 जो पेंसिल दिए, तो टोटल पेंसिल हमारे को कितनी चाहिए। हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल्स देनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास एस है, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें फाइंड करनी है, उसके लिए क्या रूल होगा। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड पेंसिल्स, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 5-5 कर रहा है, सबको कितना दे रहा है, 5 पेंसिल्स दे रहा है। लेट बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, एस है। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल पेंसिल्स टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड। टीचर कितने पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर वो हर स्टूडेंट को 5 पेंसिल देगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट एस है, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पता लग जाएगा कि कितने पेंसिल्स टोटल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो टोटल पेंसिल टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 5s, 5 को s से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5s आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कुछ कैडेट्स हैं और वो मार्च कर रहे हैं किस में, परेड में। देयर आर 10 कैडेट्स इन अ रो। एक रो के अंदर कितने कैडेट्स हैं, रो मीन्स होती है लाइन, एक लाइन के अंदर 10 कैडेट्स हैं। व्हाट इज़ द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रूल, रूल बताना है आपको कि विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, यानी कितने रोज है और कितने कैडेट्स जो है वो रोज के अंदर आएंगे। तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कैडेट्स मार्चिंग इन अ रो, एक रो के अंदर 10 कैडेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट बी द नंबर ऑफ रोज, हमने नंबर ऑफ रोज लेट कर लिया एन है, हमें नहीं पता कितने हैं, हमने मान लिया एन रोज है। अब नंबर ऑफ टोटल कैडेट्स, तो हम क्या करेंगे, एक रो के अंदर 10 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा टोटल कैडेट्स कितने हैं। तो टोटल कैडेट्स हमारे पास 10n, 10 को n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने।